अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है तब से समस्याएं ही समस्याएं आई है। क्योंकि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है समस्याएं ही समस्याएं आई, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, उल्टा लोगों के अधिकार लेने का काम भी किया है। आज पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेकर एक तरह से जग हसाई बनी हुई है। कभी टॉयलेट सीट टैक्स का बात आती है, कभी बिजली पर सेस लगा दिया जाता है, चाहे दूध का सेस हो या पर्यावरण सेस हो, इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम हिमाचल की सरकार कर रही है। और जिन लोगों ने वर्षों पहले यहां पर उद्योग लगाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार में औद्योगिक पैकेज को लेकर, वो पैकेज समाप्त होने के बाद भी टिके हुए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनका पलायन शुरू हो गया। क्योंकि उनकी प्रताड़ना भी हो रही है और उनको बिजली के दाम भी महंगे दिए जा रहे हैं, राज्य की सरकार का रवैया भी कोई उद्योगों के प्रति अच्छा नहीं है।